हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी न्यू रेसिपी कि हम आज आपके लिए क्या लाए हैं। चलते हैं किचन की तरफ। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। देखिए इंस्टेंट चटनी मसाला या इंस्टेंट सांभर मसाला रेडी है हमारा। तो आप इससे देखिए अगर सांभर मसाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा जैसे सब्जियां उबाल लीजिए आप, उसमें एक पानी खौलाइए जितना आपको बनाना है, उसमें से एक स्पून डाल लीजिए और उसके अंदर सारी सब्जियां मिक्स कर लीजिए, आपका सांभर बन जाएगा। तो ये सांभर मसाला भी है और चटनी मसाला भी है, इंस्टेंट चटनी मसाला। तो चलिए देखते हैं ये मसाला हमारा कैसे बना हुआ है, तो चल के देखते हैं आगे। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। आज हम इंस्टेंट चटनी बनाने जा रहे हैं, जो कि आप बना के एक बार रख लेंगे फिर महीनों जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उठाया और मिलाया बना के रख लिया। और इसको आप सांभर मसाला भी बोल सकते हैं, ये सांभर में भी डाला जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं अपनी इंस्टेंट चटनी। तो ये देखिए हमारी हाफ कटोरी है, हम आपको चम्मच स्पून से भी बता रहे हैं। 1, 2, 7 स्पून हमने चने की दाल ले रखी है, ठीक है। इसको हम भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम एक एक इंग्रीडियंट आपको बताएंगे कि हमें और क्या करना है। ये देखिए ऐसे ही हम इसको चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से कम 2 से 3 मिनट। ये देखिए हमारी ड्राई रोस्ट हो चुका है, अब इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में निकाल देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, सौंफ डाल दिए, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे जीरा, ये देखिए 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। ये देखिए इसको भी अब हम चटकने तक भूनेंगे अच्छे से। अगर आपके पास धनिया है खड़ी तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, हमने पीसी धनिया ले रखी है, क्योंकि जनरली सबके यहाँ खड़ी धनिया नहीं इस्तेमाल करी जाती है, पीसी ही धनिया ली जाती है, इस वजह से हम पीसी धनिया डालेंगे। देखिए हमारी यह सॉफ और भून चुका है जीरा। अगर आप खड़ी धनिया डालते हैं और खड़ी काली मिर्च डालते हैं तो 10 से 12 खड़ी काली मिर्च, लौंग 10 से 12 और धनिया इसी में। देखिए ये हमारा भून चुका है, इसको भी फ्लेम बंद कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें हमने 10 से 12 काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ठीक है। 1 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून मिर्च पाउडर और 2 से 3 चुटकी हींग, इसे भून लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 2 स्पून, ठीक है। और देखिए हमने अपनी फ्लेम बंद कर दी है बिल्कुल, क्योंकि हमारे ये पीसे इंग्रेडिएंट हैं तो बहुत जल्दी जल जाएंगे, इस वजह से हम इसी गरम कढ़ाई में ही इसको सॉटे कर लेंगे, ठीक है। बस ऐसे ही इसको चलाते रहेंगे वरना ये जल जाएगा मसाला। आपके अगर इंग्रेडिएंट खड़े हैं तो आप दाल के साथ भी भून सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 से 3 मिनट लगता है दाल भूनने में। अब ये देखिए ये अभी हमारे इंग्रेडिएंट रेडी हो चुके हैं भूनकर। अब इसमें ऐड करेंगे सब्जी मसाला, ठीक है। ये हमारा होममेड सब्जी मसाला, अगर आप लोग बोलेंगे तो वो हम आप लोगों को बताएंगे, फिर वो भी बता देंगे मसाले बनाना, ठीक है। अब इसको हम, ये सब हमारे भून चुके हैं, अब इस कढ़ाई को हम अलग हटा के रख देंगे, ऐसे ही पड़ा रहने देंगे इसमें सारा सामान, ताकि ये थोड़ा सा अगर थोड़ी बहुत रह गई है कसर तो वो मतलब हो जाएगा। और वो जो खड़े इंग्रेडिएंट हैं उनको ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे हम। ये देखो हमारे मसाले सारे ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम पीस लेंगे। देखिए अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो भी डाल लीजिए, अगर डालना चाहते हैं तो हम अमचूर पाउडर की जगह पर चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे बाद में। ये देखिए हमने पीस लिए हैं अपने इंग्रेडिएंट, ठीक है। हमारा ये मसाला रेडी है, ये देखिए बिल्कुल अच्छा बन के तैयार हो गया है मसाला हमारा, ठीक है, बिल्कुल फाइन हो गया है। तो अब इसमें हम अपने ये मसाले ऐड करेंगे, ठीक है।
ये देखिए अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, ठीक है। हाफ टेबल स्पून व्हाइट वाला नमक जो जनरली सब लोग खाते हैं, और फिर हाफ टेबल स्पून रेड वाला नमक जो उसको हम लाल नमक कहते हैं, तो वो वाला मसाला डालेंगे। अब इसको फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा सांभर मसाला या फिर इंस्टेंट चटनी मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम आगे की आने वाली वीडियो में बताएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका हम कल बताएंगे आपको। तो आज की हमारी ये वीडियो सांभर मसाला या इंस्टेंट चटनी मसाला या इंस्टेंट चटनी ही बोल सकते हैं आप इसको, तो ये इसका हम यूज करके कल बताएंगे कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए एक बात और, अगर हम खड़े मसाले लेना चाहते हैं तो खड़े मसाले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो और भी अच्छे होंगे क्योंकि घर के होंगे, ठीक है। और ये धनिया भी हमारी जो पिसी हुई थी वो भी हमारी घर की थी, मिर्च थी वो भी घर की थी, इस वजह से हमने कोई चीज बाहर से नहीं ली है, घर की ही ली है। तो आप लोग अगर घर के अलग अलग पिसे मसाले लेते हैं तो उनको भूनने में थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि जल ना जाए हमारे, क्योंकि भुने हुए मसाले जल्दी जल जाते हैं। तो चलिए आज की हमारी ये रेसिपी, इसमें कहना चाहेंगे कि ये एयर टाइट जार में भर के रख लीजिए, महीनों नहीं खराब होगा आपका, ठीक है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।